हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है पता नहीं जो भी है तो अभी सुबह हो चुकी है, सबको बताया तो अभी मंदिर घूम के आ गए हैं, नहा धो के। मंदिर है तो नहा। 2000 years later। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मंदिर होके आ गया हूँ मैं, और अभी चाय की चल रही है, चाय पीते हैं। उसके बाद ऑफिस के लिए भी तैयारी करनी है, ऑफिस भी जाना है आज। और बस अभी कुछ खास नहीं है, अभी क्या है, मौसम भी अच्छा है और नवरात्रि भी आने वाली है। कल भी नवरात्रि का अपन चंदा भी दे दिया है, कल बाजू में पड़ोस मोहल्ले में रखती हैं दुर्गा जी, उसको चंदा लेने वाले आए तो चंदा दे दिया है। और बस नवरात्रि में मन को जलपुर घुमाएंगे, जलपुर की दुर्गा ही देखना आप, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त रखते हैं। अभी चाय पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो अपनी चाय ब्रेड जी पाव सॉरी नमकीन बिस्किट आ गए हैं, पीते हैं अब, फिर उसके बाद अपन मिलते हैं आपसे। और दीक्षा तुम्हारा क्या हो रहा है? दीक्षा की सफाई चलती रहती है दिन भर बोलो, 24 घंटा बोलो, जब देखो जब कुछ ना कुछ करती रहती है। चलो जाइए, सही भी है, तो चलो चाय पी लो, है ना। और खाना में क्या है आज? आलू भट्टा की सब्जी और है? रोटी है। अच्छा रोटी, हाँ सही है। क्या लगा, पूरी? हाँ नहीं देंगे, रोटी बनाना, पूरी नहीं है, बहुत पूरी खा रहेगा। पराठा भी रखा तो पराठे भी रखे हैं, रात वाले पराठे खाना पड़े। और कोफ्ता, एक कोफ्ता बना है। आलू भट्टा की सब्जी अच्छी लगती वैसे भी, है ना। सुबह से मोबाइल है तो हम फ्री होने के बाद चलाते हैं, तो अपना पूजा पाठ करना और नहाना धोना, सुबह का जो काम रहता, झाड़ू पोछा। ये देखो सुबह से मोबाइल चलाने लगी बिल्कुल, और अपन को बोलते हैं मोबाइल नहीं चलाओ। नहीं, हम सुबह से नहीं चलाते, हम तो सुबह का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद झाड़ू पोछा, नहाना और मंदिर जाना और चाय बनाना, चाय पीते हैं तब फोन चलाते। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है। और खाने की तैयारी हो गई? चल रही है टिफिन की। आज बन क्या रहा है खाने में? आलू भरता फ्राई हो रहे हैं, आलू फ्राई हो गए हैं, तो आलू फ्राई की सब्जी, सॉरी आलू भरता की सब्जी बन रही है। ठीक है, हवा हो जाती है और मौसम क्या सुहाना है, अच्छा धूप निकली है लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है। और कहे कैसा लग रहा है, जैसे ठंडी हो ना, बिल्कुल मौसम ऐसा ठंडी है, ऐसा मौसम है आज का, जैसे दिवाली आती है ना उस समय। और घर की थोड़ी साफ सफाई हुई तो लग रहा है दिवाली आई गई है। आपका कटिंग हो रही है, धनिया टमाटर जरूर तो आ गए, आई है टमाटर, आई लव टमाटर। तुम्हें टमाटर इतने पसंद कैसे हैं यार? बस इतना ठीक है, सब्जी अच्छी नहीं है, बगैर टमाटर की कोई भी सब्जी अच्छी नहीं है। देखो तुम्हारा गैस बंद हो रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आलू हो गए हैं, खा के देखे, एक खाने लायक नहीं है। अच्छा खाने लायक नहीं है, नहीं खाने लायक खा के नहीं होगी, देख लो खा के। नहीं यार पूजा करने वाली है, मसाला भरा सब्जी का, खुशबू तो अच्छी आ रही है यार, क्या खुशबू आ रही है? अच्छा इनकी खुशबू आ रही है ना। चलो ठीक है, तैयारी करो खाना की, है ना, फिर टिफिन लगाओ और निकले ऑफिस, 9 बज गए हैं और निकलना भी जल्दी है। तो ऑफिस निकल ही रहा था और उतने में चाचा आ गए बाजू वाले, उनने बोला कि उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम है आज, तो सब्जी लेने जाना है अर्जेंट। सब्जी बाजू मिलती है लेकिन उनके हाथ में मोच आई है, तो बोले कि तुम गाड़ी रख लो साथ में चलेंगे, तो मैं साथ में उनके आ गया हूँ। वो सब्जी ले रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, और अभी लौट के फिर से घर भी जाना है क्योंकि अभी टिफ़िन उठाना है मुझे। तो चाचा टमाटर चेक कर रहे हैं, चलो जल्दी। बन गया टिफिन, रोटी बन गई है, सब्जी बन गई है, सब्जी तो देखे तो बहुत मस्त लग रही है, लेकिन
अच्छी भी लगे वो खाए, मेरे तो बहुत अच्छी लगे। अपन घर निकले ऑफिस, मिलते हैं शाम को है ना, फिर ऑफिस जा रहे हैं सीधे, शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो ऑफिस से घर जा रहा हूँ, शाम भी हो गई है, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन दीक्षा की फरमाइश थी आज चाट खाने की, तो आ गए हैं हम उसी चाट कचपुरा ब्रिज स्पेशल चाट उसी ठिकाने पे चाट लेने के लिए। तो भैया से बोला दो चाट पैक कर रहे हैं दादा, तो जल्दी जल्दी पैक करें और अपन भी घर निकले, क्योंकि अभी मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ खाऊँगा जाके जल्दी से, बस ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि आज यहाँ के भीड़ भी नहीं है, तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस टाइम से भीड़ लगनी चालू होती है क्योंकि शाम को सब लोग आते हैं, भीड़ बहुत बढ़ जाती है, कचपुरा ब्रिज पे भीड़ का एक माहौल हो जाता है। तो अपने जल्दी जल्दी पैकिंग करो और निकले फिर। दीक्षा के लाने लाए हैं आज चाट, दीक्षा भी फिर भी खुश नहीं है आज, जो स्पेशल जौलपुर को चाट है, तो जो जौलपुर को स्पेशल चाट है, एक चाट की इसकी कीमत जान के आप हैरान हो जाओ, क्योंकि इस एक की कीमत है 250 रुपये। हाँ सही में 250 रुपये का चाट खा रहे हैं दीवरी वाले, चाट चाट के खा लेना चाट बिल्कुल, है ना। देख तो बड़ा मस्त रहो है, अरे अब स्वाद में देखते हैं कैसे है, ठीक है। तो आ रहे खा रहे हैं चाट, जबलपुर का फेमस चाट है कचपुरा ब्रिज का, रेट तो आपको बता ही दिया है। तो और चाट खाना, उसके बाद अपन को आज एक यहाँ इस दीवार में लगी थी एक क्या बोलते उसको, वो मतलब पेंटिंग टाइप की है जो भी है, तो उसको इस दीवार में इंस्टॉल कर लगाना है, तो उसके लिए डबल साइड टेप लगता है, वो लेके आए हैं, तो अभी लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तो मिलते हैं फिर उसके बाद। खाने पहले अपन को लगाना है इसको दीवार पे, यहाँ पर पहले से लगा रहा है, इसको निकाल दिया है वहाँ पे और इस दीवार में लगा रहे हैं, तो इसको कैसे लगाएंगे, इसमें लगाता है डबल साइड टेप है अपने पास, इसको इसमें लगाते हैं डबल साइड टेप को लगा दिया है बहुत ही सतर्कता से, ऐसे ही इन तीनों भी लगा देते हैं, ये तो पुराना, इसको निकालना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे लगा दिया है ये एक क्या बोलते इसको, एक कार्डबोर्ड में पेंटिंग है, तो वो लगी थी पहले वहाँ पर, तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री राम। और एक बात जरूरी है कि वीडियो जो भी देखे, चाहे 10 लोग देखें, 50 लाख, 100 लोग देखें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक तो करें ही करें, तो लाइक से क्या है एक मोटिवेट होता है, तो लाइक ज़रूर करें वीडियो में, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।